अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस वक्त मुल्क भर में धर्म संसद और महापंचायत के नाम पर हिंदूवादी संगठन मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मेवात के नुहू के संगेल गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक बातें की गई और मेवात के माहौल को ख़राब करने की कोशिशें की गई। और आपको मालूम है, गौ रक्षा के नाम पर मुल्क भर में गुंडागर्दी की जा रही है और मासूम लोगों की जानें ले ली जाती हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन गौ रक्षकों की हकीकत बतला चुके हैं, जो गाय के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं और इंसानों की जान ले लेते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है, गौ वक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। ऐसे जो स्वयं से भी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है। और बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल यह है कि हुकूमत हमेशा इनके ऊपर नरम रवैया रखती है, कभी इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, जिसके सबब इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और ये मुल्क में जिस तरह से अराजकता पैदा कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं, मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन पर कोई कंट्रोल नहीं है।